बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर जसमीत भाटिया जी के साथ। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कनाडा में इस वक्त हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड है, स्टूडेंट्स की भी, कोर्सेज की भी, एम्प्लॉयमेंट भी है और पीआर भी है। और वो स्टूडेंट जो हेल्थ सेक्टर में, जिनकी एजुकेशन है हेल्थ फील्ड में, उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं सेप्टेम्बर इनटेक के लिए, और जो अर्ली पीआर स्टूडेंट्स को दिलवाएंगे उस पर आज बात करेंगे जसमीत जी से। जसमीत जी आपका स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। सो जसमीत जी, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, अब हेल्थ कोर्सेज की डिमांड बहुत है, एक तो कौन कौन से कोर्सेज आपके पास है सितंबर के लिए, और इन कोर्सेज के बाद मुझे पता लगा है कि हेल्थ सेक्टर में पीआर कनाडा में बहुत आसानी से मिल रही है। सो देखो, सबसे जो डिमांड में पूरी दुनिया में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कनाडा में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएं तो भी हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज लें, US भी जाएं तब भी हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज लें, जर्मनी जाएं हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज मिलने मुश्किल हैं। सो स्टूडेंट्स, हेल्थ पूरी दुनिया में डिमांड में है, चाहे आप हॉस्पिटल के एडमिन में भी लग जाओ जी, चाहे आप हॉस्पिटल में एडमिन में भी लग जाओ, तो पूरी दुनिया में डिमांड में है। सो हेल्थ कोर्सेज में सबसे टॉप पे आता है नर्सिंग, बट नर्सिंग ये ना सोचेंगे नर्सिंग है, नर्सिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए आपको, क्या कहते हैं, मैथ की स्किल्स आनी चाहिए। सो इस टाइम पे नर्सिंग कनाडा में अवेलेबल है, सेंटिनियल कॉलेज में अवेलेबल है, अल्गोंक्विन कॉलेज में अवेलेबल है, फ्लेमिंग कॉलेज में अवेलेबल है, मोहॉक कॉलेज में जनवरी 25 में अवेलेबल है। सो इसके अलावा सपोज आप नर्सिंग नहीं करना चाहते तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का 2 ईयर्स प्रोग्राम्स बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है, वेरी गुड प्रोग्राम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट प्रोग्राम, और फिजियोथेरेपिस्ट बहुत डिमांड में है फ्यूचर में। सो फिजियोथेरेपिस्ट प्रोग्राम इज अवेलेबल इन मैनी कॉलेजेस इन ओंटारियो, इन ओंटारियो। सो पीआर मिलेगी अगर आप नर्सिंग करोगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करोगे तब भी पीआर मिलेगी। इसके अलावा फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, हमारे दो स्टूडेंट्स हैं जो फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन का कोर्स करके गए, एक स्टूडेंट किसी कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम में जॉब कर रहा है और एक स्टूडेंट किसी जिम में जॉब कर रहा है। फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन मतलब कि डाइटिशियन भी कह सकते हैं उसको, फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइजेस बतानी, सब कुछ बताना। सो डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन कैनेडा, BSc मेडिकल वाला भी कर सकता है, 12th मेडिकल वाला भी कर सकता है। इसके अलावा मसाज थेरेपिस्ट, मैं बताऊंगा मसाज थेरेपिस्ट अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो 10-10 दिन की अपॉइंटमेंट है, 10 दिन बाद अपॉइंटमेंट आती है मसाज थेरेपिस्ट की। सो मसाज थेरेपिस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई इन डिमांड, और मैं आपको बता दूं ऐसे ही नहीं है कि कोई भी मसाज थेरेपिस्ट बन सकता है, सबको लाइसेंस लेना पड़ता है, हर चीज का हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। फिजियोथेरेपिस्ट बनना है लाइसेंस लेना पड़ेगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो सारे सितंबर इनटेक के लिए अवेलेबल हैं। एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे कॉलेजेस, एंड आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ। सो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं पर्सनल सपोर्ट वर्कर की, वो भी अवेलेबल है फॉर सितंबर इनटेक। सो सितंबर इनटेक में हमारे पास हेल्थ की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा बात करें तो टेक्निकल कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को, या आप मेडिकल फील्ड से हो, आपने बायोलॉजी करी है और कुछ कॉलेजेस की डिमांड बायोलॉजी के साथ मैथ्स की है प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए, तो आप नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बायोलॉजी की है, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जैसे मैंने कहा, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन कहा, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड टूवर्ड्स पीआर बहुत ईजिली पीआर ले सकते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात जसमीत जी आपने बताई है। जसमीत जी, जो रिक्वायरमेंट है इन कोर्सेज के लिए, क्या हमारे स्टूडेंट्स इजीली उसको? सी देखो, प्रैक्टिकल नर्सिंग की बात करें तो 6.5 बैंड्स, नो बैंड लेस देन 6 चाहिए हैं, और हर सब्जेक्ट में हमारे पास कुछ कॉलेजेस में 60 से ऊपर चाहिए हैं। प्रैक्टिकल नर्सिंग में देखो ये चीज़ है कि किसी के 80% एंड अबव हैं उसी को सीट मिल पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल नर्सिंग इज हाई डिमांड कोर्स। और अगर बात करें OTA PTA यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट, उसमें ओवरऑल 6 बैंड चाहिए हैं, तो उसमें आपको इजीली सीट मिल जाएगी, इवन इफ अगर आपके स्कोर ईच 50 भी हैं मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज, सोचने की बात ये है इस टाइम पे कि हम कौन सा कोर्स करें कनाडा में, एंड आई फील कनाडा जाने का सही समय अभी है।
क्योंकि अभी कनाडा वेलकम कर रहा है आपको कनेडियन एक्सपीरियंस देने के लिए। कनाडा चाहता है कि जो बच्चे यहाँ पे आए वो स्किल बेस्ड कोर्सेज करें, और कनाडा चाहता है कि जो बच्चे यहाँ आए उनको पीआर मिले। सो आप सोच सकते हैं कि कनाडियन गवर्नमेंट आपको पीआर दिलाना चाहती है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता। यस, पार्ट टाइम जॉब अगर आप मेन सिटीज़ में जाएंगे तो पहले महीने नहीं मिलेगी, दो महीने नहीं मिलेगी। सो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि 90 डेज़ का समय लेके चलें पार्ट टाइम जॉब के लिए, अगर आपके वहाँ पे रेफरेंसेस नहीं है। अगर आपके रेफरेंसेस होते हैं तो जल्दी भी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। चलिए, बेहद शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जसमीत जी ने शेयर किया है। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप जसमीत जी से बात कर सकते हैं। 9041390412 इस नंबर पर आप फ़ोन करिए, जसमीत जी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। और जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, वो व्हाट्सएप आपका प्रोफाइल जसमीत जी को एक्सेसिबल है, जसमीत जी के पास आएगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।